जय माता दी, मैं राजीव सिंह ऑथेंटिक एस्ट्रो से। क्या आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है या फिर होने वाला है? आपके किसी नियर डियर का भी अगर न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है तो उसका नाम कैसे रखें, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके लाइफ पाथ के हिसाब से, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। जैसा कि आपने पिछले सारे वीडियो आपने मेरा देखा जिसमें मैंने सारे प्लैनेट्स के ऊपर बनाया था, तो प्लैनेट्स के बाद मैं नया टॉपिक लाने वाला था, तो मैं सोचा सबसे पहले आपको ये वीडियो बना के दूँ कि नाम कितना ज़रूरी है आपके लाइफ में और क्या कहता है नाम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि नाम जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखना चाहिए, या आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जो हैं, जितने फेमस लोग होते हैं, 90% लोग अपना जो नाम होता है वो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से रखते हैं, तो बाद में जाकर के आगे दिक्कत होती है। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया या आप ही को अगर अपना नाम चेंज कराना है तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती है कि पासपोर्ट में कैसे चेंज होगा, आपका पैन कार्ड में कैसे चेंज होगा, आधार कार्ड में कैसे चेंज होगा, वगैरह 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 बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं जिनका नाम तो गलत है डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ के हिसाब से, तो अब क्या करें? जब हम नाम करेक्शन करते हैं तो सामने से यही आता है कि देखिए मेरा नाम तो यहाँ यहाँ इस डॉक्यूमेंट्स पे है, कैसे चेंज करूँ, तो बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना करके आपको बताऊं कि अगर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है या आने वाला मेहमान है तो आपको सबसे पहले जो है न्यू बॉर्न बेबी जैसे ही आपके घर में आते हैं तो आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और आप अपना नामकरण जो है उस बच्चे का एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करवाना चाहिए। उसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों करवाना चाहिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि नाम आखिर क्यों करवाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा प्लैनेट्स पे जो वीडियो हैं, वो प्लैनेट जो है ना, हर एक नंबर जो होता है, टोटल 9 नंबर ही होते हैं 1 से 9 तक, उसके बाद तो 10, 11, 12 होता है, लेकिन टोटल जोड़ेंगे तो ये एक नंबर सिंगल नंबर बनता है और सिंगल नंबर 1 से 9 के बीच में ही होता है। तो दोस्तों, 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं ना, उस नंबर में आपका हर एक नंबर को एक प्लैनेट रूल करता है। जैसे कि एक नंबर अगर आपका है तो एक नंबर को सन यानी कि सूर्य रूल करते हैं, 2 नंबर है तो उसका मून यानी कि चंद्रमा रूल करते हैं, 3 नंबर है तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर रूल करता है, 4 नंबर है तो राहु रूल करता है 4 नंबर को, 5 नंबर है तो मरकरी यानी कि बुध रूल करता है, 6 नंबर है तो वीनस यानी कि शुक्र रूल करता है, 7 नंबर है तो केतु रूल करता है, 8 नंबर है तो सैटर्न यानी कि शनि रूल करता है, आपका 9 नंबर है तो मार्स यानी कि मंगल रूल करता है। ये 9 प्लैनेट होते हैं और 9 प्लैनेट्स को एक एक नंबर मिला हुआ है, एक एक नंबर को वो रूल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे नंबर्स का एक प्लैनेट्स है, तो प्लैनेट्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर प्लैनेट जो होता है, हर जो ग्रह होते हैं एक दूसरे के मित्र नहीं होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ये ज्ञान है लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रह जो है आपस में एक दूसरे का दोस्त नहीं होते हैं। कुछ ग्रह किसी का दोस्त होता है तो किसी का शत्रु होता है, कुछ ग्रह न्यूट्रल भी होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि जिस दिन आप जन्म लिए वो आपका बर्थडे नंबर हो गया, जैसे कि आपका 1 तारीख को, 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या 28 तारीख को अगर आप जन्म लेते हैं तो उसका जो टोटल जोड़ा जाएगा तो 1 तारीख माना जाएगा, क्योंकि 19, 9 और 1, 10, 28 यानी 8 और 2, 10, तो आपका एक नंबर माना जाएगा। वैसे ही 2 नंबर आपका, तो 2 नंबर में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख को अगर आपका जन्म है तो आपका जो बर्थडे नंबर हो गया वो 2 हो गया। 3 नंबर वैसे ही आप जोड़ लेंगे जैसे हमने 2 के बारे में बताया, सारे नंबर के बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो एक नंबर जो सिंगल नंबर जोड़ के आता है वो आपका बर्थडे नंबर हो गया। वैसे ही लाइफ पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है। जिस डेट को आपने जन्म लिया है, जिस महीना में आपने जन्म लिया है और जो साल में आपने जन्म लिया है, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो उसका टोटल जो आता है उसको सिंगल करके सिंगल जो नंबर आएगा वो आपका आएगा लाइफ पाथ नंबर। नाम का कैसे पता करते हैं कि नंबर क्या है, तो नाम के लिए जो भी आपका टोटल नाम में अक्षर आता है उसको आप जब आप टोटल करेंगे
तो उसका जो टोटल नंबर आएगा उसे हम आपका नाम का नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, नाम का डिटेल मैं टोटल जोड़ के यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेट में जो ए टू जेड जो 26 वर्ड होते हैं, उस वर्ड को हम लोगों ने क्या किया है, एक एक नंबर को हम लोगों ने डिवाइड करा है, कौन कौन से वर्ड जो हैं किस नंबर को प्रजेंट करता है। तो आप इसका डिटेल्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा वर्ड्स का कितना नंबर होता है। तो अगर आपका नाम का नंबर बहुत अच्छा है, वैसा नंबर नाम का रखना चाहिए जो नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर को भी सपोर्ट करता हो, मित्र हो, और आपका बर्थडे नंबर का भी मित्र हो। जैसे कि आपका मान लीजिए 1 आ गया बर्थडे नंबर, 4 आ गया लाइफ पाथ नंबर, तो 1 जो होता है सन होता है, 4 जो होता है राहु होता है, तो राहु जो है सन का एंटी है, एनिमी है, शत्रु है, तो इन दोनों का आपस में नहीं बनता है। तो अब क्या होगा, आपका लाइफ डिस्टर्ब रहेगा। बर्थडे नंबर को हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं और आपका लाइफ पाथ नंबर को कंडक्टर नंबर बोलते हैं। तो ड्राइवर जिस रूट पे गाड़ी लेके जाना चाहेगा, कंडक्टर उसको उधर जाने से डिस्टर्ब करेगा। तो क्या होगा, अगर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक मर्जी का नहीं होता है तो क्या होता है, दिक्कत होने लगेगी। कोई डायरेक्शन इधर को देगा, जाना कहीं और को चाहेगा, तो आपका लाइफ भी उसी तरह से भटकता रहता है। तो आपको क्या करना है कि नाम नंबर ऐसा लेकर आना है जो 1 का भी मित्र हो और 4 का भी मित्र हो। होता है ना, जब दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या कोई ऐसे एक बंदे को लेकर के आते हैं कि भैया एक काम करो, इनके हमारे बीच में या इनके बीच में लड़ाई चल रही है, थोड़ा सा आप समझौता कर दो। एक ऐसा बंदा आता है, थर्ड पार्टी या मीडिएटर जिसको बोलते हैं, वो ऐसा होता है जो दोनों के ही प्रिय होता है, ताकि दोनों ही उसके बात को मान लें। तो वो क्या होता है, वो मित्र होता है दोनों का, और जो बोलता है वो दोनों आपस में मान जाते हैं। वैसे ही आपका नाम का नंबर एक मीडिएटर का रोल अदा करता है आपके लाइफ में। क्योंकि देखिए, बर्थडे नंबर आपके हाथ में नहीं है, ना ही आपका लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर आपके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर से डिसाइड है। पिछले जन्म के जो आपके कर्म है, जो आपका सोल है, वो सारा कुछ डिसाइड है कि आपको कहाँ पैदा होना है, कितना बजे पैदा होना है, कितना तारीख को पैदा होना है, किस महीने में पैदा होना है, आपका कौन सा साल में पैदा होना है, सारे डिसाइडेड है। हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास क्या रह गया, एक ही चीज़ रह गया कि हाँ नामकरण, नाम हम ऐसा रख दें जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। यही एक मैजिक है नाम नंबर का, न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बेटर मैजिक है। अगर आपका नाम आपके बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर के मैच का नहीं है तो आपको हमेशा ट्रबल देगा। अगर आपका मान लीजिए लाइफ पाथ नंबर 4 है और बर्थडे नंबर 1 है, और आपने एक कोई ऐसा नाम रख लिया जिसका नंबर ऐसा आ रहा है जो दोनों का शत्रु हो, दोनों नंबर का शत्रु हो, तो आपको लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम देगा। हर वो काम में रुकावट बनकर आएगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए, जो आपके हक में है, वो काम करने के लिए बाधा अर्चन करता रहेगा कि ना करे ना करे ना करे। अगर आपका नाम जो है लाइफ पाथ नंबर और बर्थडे नंबर में से किसी एक का भी दोस्त है तो भी बेटर है। कि अगर मान लीजिए बर्थडे नंबर का दोस्त नहीं है, लाइफ पाथ नंबर का दोस्त है, तो कम से कम दोस्त के साथ मिल करके आपको आगे लेकर के जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम लाइफ पाथ नंबर और बर्थडे नंबर, ड्राइवर नंबर, क्वीन नंबर के मैच का है, दोनों का मित्र है, तो सोचिए आपके लाइफ में 4 चांद लगा देगा। वो वैसा ही काम करेगा जैसे एक अच्छा मेंटोज करते हैं, वो वैसे ही काम करेगा जैसे एक आपका अच्छा मीडिएटर करता है, वो ऐसे ही आपका वो नंबर काम करेगा जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा एक पेरेंट्स का रोल अदा करेगा आपके बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर के बीच में। बच्चा जब पैदा होता है ना आपका, तो आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अवश्य दिखाना चाहिए। वैसे भी आप लोग एक पंडित जी के पास जाते ही हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के अपने बच्चे का कुंडली तो दिखाते ही दिखाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए जिसको न्यूमरोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो, उसके पास जाइए और उससे अपने बच्चे का एक बार रिपोर्ट निकलवाइए। रिपोर्ट में क्या होगा, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में आप प्रडिक्शन करवाइए, प्रडिक्शन से न्यूमरोलॉजी प्रडिक्शन में एक्यूरेट डिटेल्स आ जाता है कि इस बच्चे का कौन कौन सा साल अच्छा होगा, इस बच्चे के लिए कौन सा डायरेक्शन अच्छा होगा, इस बच्चे का के लिए कौन सा फेवरेबल कलर होगा, इस बच्चे के लिए कौन सा डेट अच्छा होगा, कौन सा डे अच्छा होगा, कौन सा महीना अच्छा होगा, ये सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इसको कौन कौन सी बीमारियाँ लाइफ में प्रॉब्लम दे सकती हैं, इसका कौन सा साल बहुत बेटर हो सकता है, इसका एजुकेशन कैसा होगा, इसका नाम हमें किस नंबर पर रखना चाहिए,
इसके लिए इसका प्रोफेशन क्या होगा आगे चल करके, वो ज़्यादा अच्छा से बताया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर देगा। वैसे भी अगर हमारे घर में ना एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं मिठाइयाँ बांटने में और पार्टी और फंक्शन करने में। क्या हम कुछ पैसे दे करके अपने बच्चे का एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट नहीं करा सकते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर कंडक्टर नंबर के हिसाब से उसका नाम रखा जा सके? अगर उसका नाम शुरू से ही जब ही पैदा हुआ वैसे ही अगर आपने एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखा करके आपने नामकरण कर दिया, तो फिर उसका लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया ना, उसे कभी कोई टेंशन ही नहीं होगा ना। जब उसे नॉलेज होगा कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कोई चीज़ होता है जो वो किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा और अपने बारे में दिखाएगा, और जब उसका एक न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेगा अरे तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा रखा हुआ है तुम्हारे पेरेंट्स ने, सोचो उस बच्चे को कितना खुशी होगा। अगर किसी को 25 साल के एज में या 30 साल के एज में जाकर ये पता चलता है कि आपका जो नाम रखा गया है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही नहीं है, सोचो उसको कितना दिक्कत होगा चेंज कराने में। उसे अपना पासपोर्ट, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, क्या चेंज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। फिर वो क्या करता है, एक समझौता कर करके केवल अपना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, बैंक में, जहाँ जहाँ चेंज हो सकता है वहाँ वो करा करके अपने आप को सिक्रीफाई करता है। प्लस उस नाम को एक्टिव करने में 6-6 महीने तक लग जाते हैं, तब जा करके वो नाम एक्टिव होता है। अगर बच्चा पैदा हुआ उसी समय आप सही नाम रखवा दो ना, कितना अच्छा होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आप चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन एक बार आप अवश्य जाएँ जब बच्चा पैदा होता है, और नामकरण जो है उसका बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, किंग नंबर, क्वीन नंबर, ये सारे एक ही चीज़ है, इनके हिसाब से आप रखवाएँ। और न्यूमरोलॉजिस्ट से पता करें कि इसका मिसिंग नंबर कौन सा है, आने वाले टाइम में इसका पर्सनल ईयर, ईसन साइकिल कैसा होगा, क्या होगा, नाम रखने से इसका क्या बेटर हो सकता है, इसका किस प्रोफेशन में जाएगा मेरा बच्चा, उस प्रोफेशन के लिए कौन सा नंबर इसका सपोर्टिंग होगा। क्योंकि नंबर केवल नंबर ही नहीं होता, जैसा कि मैंने शुरू में बताया ना, हर नंबर को कोई ना कोई प्लानेट रूल करता है। तो जब कौन सा प्लानेट इसके लिए सूटेबल होगा, उस प्लानेट के नंबर पे उस बच्चे का नाम लेकर के आइए और उस बच्चे का नाम आप रखिए, नामकरण कीजिए, देखिए उसका ज़िंदगी में 4 चंद लग जाएगा। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़, अगर बच्चा छोटा है तो भी, बड़ा हो गया तो भी, हर किसी को एक बार जा करके कुछ पैसे दे करके एक किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास अपना कुंडली प्रेडिक्शन अवश्य कराएं और नाम का करेक्शन करवाएं। अगर नाम सही है तो बहुत अच्छी बात है, नाम अगर सही नहीं है तो आपको नामकरण कराना चाहिए। नाम के कुछ स्पेलिंग चेंज करके अगर आपका नाम अच्छा हो जाता है तो आप देखिएगा इसमें बहुत ही चमत्कारी फ़ायदा होता है, और गारंटी होता है कि होगा ही होगा इसका बेनिफिट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, उन लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा जिनके घर में नए मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत दुआ देंगे कि ये इसने अच्छे टाइम पे मेरे को वीडियो भेजा, मेरा तो बच्चा या तो पैदा हो गया है या पैदा होने वाला है, और मैं अगर सही नाम रख लूँगा तो सोचो ना वो कितना आपको दुआ देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। अगर आपको मेरे से प्रेडिक्शन कराना है या नामकरण करवाना है या नाम करेक्शन करवाना है तो नीचे जो डिटेल्स दिया हुआ है इस पे आप जा करके विजिट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जय माता दी।